औरंगाबाद पुलिस ने एक अवैध मिनी गन फैक्ट्री का उद्भेदन किया है। पुलिस ने मिनी गन फैक्ट्री से 3 निर्मित देसी राइफल, आधा दर्जन जिंदा कारतूस एवं भारी मात्रा में अवैध हथियार बनाने में प्रयुक्त कुल पुर्जे बरामद किए हैं। पुलिस कप्तान कांतेश कुमार मिश्रा ने बुधवार को प्रेस वार्ता में बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पौथू थाना के बेरी गांव में श्याम सुंदर विश्वकर्मा द्वारा अवैध हथियार बनाने की मिनीगन फैक्ट्री संचालित की जा रही है और वहां भारी पैमाने पर अवैध हथियार का निर्माण कर बिक्री की जा रही है। इस सूचना पर कार्रवाई हेतु औरंगाबाद सदर के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी गौतम शरण ओमी के नेतृत्व में विशेष छापेमारी टीम गठित की गई। टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में अर्धनिर्मित हथियार एवं हथियार बनाने का पाठ पुर्जा बरामद किया है। टीम द्वारा छापेमारी की गई, लेकिन आरोपित श्याम सुंदर फरार हो गया। वहीं बेरी गांव निवासी श्याम सुंदर विश्वकर्मा कहां से हथियार बनाने के लिए सामान लाता था और उसकी बिक्री कहां करता था, इन तमाम बिंदुओं पर पुलिस तहकीकात कर रही है। वहीं श्याम के इस काम और कौन कौन साथ देता था, इसकी भी तहकीकात की जा रही है। हालांकि जब तक आरोपी पुलिस के पकड़ में नहीं आ जाता, तब तक यह साफ नहीं हो पाएगा कि इस धंधे से और कौन कौन जुड़ा हुआ था। 9 अगस्त को एक गुप्त सूचना मिली थी कि पौथू थाना अंतर्गत श्याम सुंदर विश्वकर्मा के मकान में अवैध हथियार बनाने का कार्य चल रहा है। इस संबंध में एक विशेष टीम का गठन किया गया था SDPO सदर गौतम शरण ओमी के नेतृत्व में, जिसमें कि SHO पौथू, SHO ओबरा, SHO फेसर और जिला सूचना इकाई के सब इंस्पेक्टर सुशील शर्मा और सब इंस्पेक्टर कमलेश राम थे। तो इस टीम ने छापेमारी करके वहाँ से भारी मात्रा में अर्धनिर्मित और पूर्ण निर्मित हथियार बरामद किया गया, जिसमें मुख्य जो बरामद की है वह है 3 पीस राइफल, 5 पीस लोहे का अर्धनिर्मित देसी कट्टा, 6 पीस लोहे का अर्धनिर्मित देसी कट्टा का बट और 25 पीस लोहे का अर्धनिर्मित देसी कट्टा का बैरल। इसके अतिरिक्त वहाँ से 6 पीस गोलियाँ बरामद हुई हैं 12 बोर, और इसके अलावा जो हथियार जो निर्मित कर रहे थे उसके बनाने का औजार इत्यादि मिला है। उनके पास से 2 मोबाइल भी बरामद हुआ है। हम लोग आगे अनुसंधान कर रहे हैं। ये जो व्यक्ति है श्याम सुंदर विश्वकर्मा, इसकी गिरफ्तारी के लिए हम प्रयासरत हैं। ये सूचना मिलने के बाद हम जब छापेमारी किए उसके ठीक पहले वो फरार हो गया था, तो हम लोग इसे गिरफ्तारी करने का प्रयास कर रहे हैं। और अवैध हथियार के विरुद्ध जो हमारा अभियान है इसको अच्छी सफलता है और हम इसको आगे जारी रखेंगे। जो अपराधी है उसके ऊपर पहले से भी कोई आरोप है? हम लोग अभी पता कर रहे हैं, अभी तक इसका प्रकाश में नहीं आया है इस थाने में। हम लोग पूरे ज़िले में खबर रहे हैं और ज़िले के बाहर से भी हम लोग पता करेंगे कि क्या कोई मामला दर्ज है। ऐसे कोई सूचना की जो सेल करते थे? हाँ, इस संबंध में जो इनका लिंकेजेस हैं हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं कि ये कहाँ से सामान प्राप्त करते थे और मार्केट में किन लोगों से संपर्क में थे। तो इसका पूरा अनुसंधान में जो होगा उस पर आगे कार्रवाई की जाएगी।